Hello friends, this is physiotherapist Dr. Shruti Parekh working in Advanced Knee and Shoulder Hospital run by renowned arthroscopic surgeon Dr. Prathamesh Jain in Ahmedabad. Friends, आज हम रिव्यू लेने जाने वाले हैं बिकेत कुमार जी का जो हमारे साथ यहाँ पे बिहार से आए हुए हैं. इनका हमने किया है ACL रिपेयर. ACL जो मेन लिगामेंट है घुटने का, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, उसका रिपेयर किया हुआ है और मेनिस्कस की सर्जरी की, मेनिस्कस का रिपेयर किया हुआ है. तो ये बिहार से हैं, ये यहाँ कैसे पहुंचे और इनका ऑपरेशन के बाद का रिव्यू आज हम जानते हैं. बिकेत जी, आपको ये इंजरी हुई थी कब और कैसे? 2018 में मैं 2018 में स्कूटी से गिर गया था. इसके वजह से हमको आया था ये. तो हम गांव में चले गए, फिर गांव में गए तो वहां पे दिखवाया डॉक्टर लोग से, तो वो प्लास्टर लगा दिए और बोले कि एक्सरसाइज करना ठीक हो जाएगा. प्रॉपर ये नहीं बता पाए कि लिगामेंट इंजरी टूट गया है. हाँ. तो प्लास्टर करने के बाद मैं एक्सरसाइज किया, ऐसा हमको लगा कि इंजरी हुआ है तो थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में. तो मैंने एक्सरसाइज किया, लेकिन उसके बाद धीरे 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 करके हमको पेन होने लगा. और कभी कभी गिर जाता था, घुटना घूम जाता था, घूमता घूमता था तो हमको फिट आ जाता था. तो फिर हम पता किए, दमन में काम करते थे तो दमन में ही वहाँ दिखवाया डॉक्टर से, तो बोले कि आपको MRI कराना होगा. तो मैंने MRI कराया. MRI कराया तो वहाँ पे मैंने दिखवाया डॉक्टर से, तो बोले कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा. तो मैं बोला कितना पैसा लगेगा, तो वो बोले कि 55,000 में ना 25,000 में हो जाएगा. तो फिर मैं वहाँ से चल दिया. मैं एक चीज और सोचा था कि हमको ये चीज दिखवाना है कहीं एक्सपर्ट डॉक्टर से, अच्छा डॉक्टर से. उसके बाद फिर दमन से मेरा ट्रांसफर हो गया चेन्नई में गया, तो वहाँ पे राजीव गांधी हॉस्पिटल में दिखवाया. मैं देखा कि ये डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, तो वहाँ भी दिखवाया. तो वहाँ पे गया मैं OPD में दिखवाया, तो वहाँ भी डॉक्टर साहब बोले कि आपका बिना सर्जरी के ठीक नहीं होगा. और ऐसा पेशेंट मैं ही एक था वहाँ पे. हाँ, इसके वजह से मैं वहाँ भी पता करके छोड़ दिया. उसके बाद फिर मैं पता किया जयपुर में पता किया फाइबर ब्रेस्ट सर्जरी, ऐसा सर्जरी वहाँ पे नहीं था. ओनली फॉर लिगामेंट वाला था और कॉस्ट भी ज्यादा था, इसके वजह से वहाँ पे नहीं किया. उसके बाद फिर मैं दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल है, स्पोर्ट इंजरी सेंटर, जो कि जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम चालू हुआ था उस समय से वो खोला गया था खिलाड़ी के लिए. तो मैं फिर गया वहाँ पे. जैसे हमको पता था एक काट के ढाबा करके चैनल है, वो उनका वीडियो था, तो उनका वीडियो में कमेंट वमेंट में देखा, तो वहाँ पे बताया खर्च किया आपका 35,000 या 40,000 में आपका टोटली ओके हो जाएगा. तो फिर मैं वो वहाँ पे गया, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर साहब हमको बोले कि ओनली फॉर ACL का आपको लगेगा 31,000 प्लस में अगर एक स्टिच लगेगा मेनिस्कस का तो उसका 18,000 लगेगा. अगर वो स्टिच लगता है तो उसका ज्यादा लगेगा. उसके बाद बोले कि दवा हुआ जितना होता है सब बाहर से लाना पड़ेगा. तो मैं पूरे रेशियो लगा लिया कि यहाँ पे 80 प्लस मेरा चला जाएगा, प्लस में इंटरनल फाइबर ब्रेस वाला सर्जरी भी नहीं होगा, स्क्रू वाला ही होगा. उसके बाद फिर मैं डॉक्टर सर का प्रथम चयन का देखा, इनका देखा YouTube में देखा, तो इनका एडवांस एंड हॉस्पिटल में देखा, तो उनपे इनका नंबर दिया हुआ था. इनसे मैं बात किया तो मैं बोला कि सर से मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, काम करने वाला हूँ फ्रॉम बिहार से, अगर कुछ कम हो सके तो बताइए, क्योंकि मैं और जगह भी किया तो हमको मतलब 80 या
1 लाख 1.5 लाख ऐसा करके सब बताता था। तो यहाँ पे ये बोले कि आपका आप कैंप में आके सर्जरी करा सकते हो। तो मैं बोला कि सर कितना कॉस्ट आ जाएगा, तो ये बोले कि 45,000 में आपका हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे आया डॉक्टर साहब के पास और उनसे मिला, उनका बात व्यवहार सब उनको बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब रोज रोज आते हैं, अभी सर्जरी हुआ उनको 3 दिन हो गया, पर डे आते हैं, उनसे मिलते हैं, कैसे हो बिके ऐसा करके। और यहाँ तक कोई वो पैसा वाला बात नहीं है, रूम बेड सब एकदम क्लीन सब सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा इतना कम है और इतना अच्छा सर्जरी किए, इसके लिए उनका बहुत शुक्रगुजार। आपका हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टाफ के साथ, दूसरे स्टाफ के साथ? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। अब आप करते क्या हो बिकेट जी? मैं प्लांट लाइन में काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन में, जैसे कि रिफाइनरी बना, पावर प्लांट बना, और सर एलएनटी कंपनी में काम करता हूँ, वेल्डिंग मारता हूँ। अच्छा, हाँ। तो बस आप तो बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, अब सब करने लगोगे अपना काम, है ना? हाँ, वही बोला है कि 42 डेज के बाद आप सब कर सकते हो, ठीक हो जाएगा, है ना? तो आपको अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक हो गए, है ना? खुश हो एकदम, हैप्पी? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना? कब जा रहे हो वापस? अभी तो आया हूँ, बिहार से आया हूँ, तो उधर का तो टिकट मैं आने के लिए करा लिया था, लेकिन इधर से नहीं करवाया था कि जाता हूँ देखता हूँ, जैसा वहाँ का सिचुएशन रहेगा उस तरह से टिकट कराऊंगा। तो अभी टिकट तो नहीं हुआ है, सर्जरी के 3 दिन हो गए हैं, अब टिकट हो जाता है तो फिर अच्छा हुआ 3 दिन इधर रहे, आपको काफी आराम मिला होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा ज्यादा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, एक्सरसाइज करते रहना अच्छे से, ठीक है, और फोन पे बात कराते रहना, ठीक है। एक प्रॉब्लम है।